सो गाइस, तो आपने कुछ इस टाइप के वीडियोस इंस्टाग्राम के रील्स पर जरूर देखे होंगे जो कि अभी के वक्त काफी तेजी से वायरल चल रहा है। तो आज किस वाली वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस टाइप का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ, तो मस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज किस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरीके का वीडियो को बनाने के लिए, फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इन दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एक है आपका स्कोर वीपीएन जो कि गाइस आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक है आपका कैपकट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आपको कैपकट एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको अपना वीपीएन को ओपन करना है। देन गाइस ओपन करने के बाद आपको इसे कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली गाइस आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है इस एप्लीकेशन का, आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका इस तरीके से आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आना है। इसके बाद गाइस आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस टाइप से मिल जाता है। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको अपना उस वीडियो को इम्पोर्ट करना है, आप जिस भी वीडियो के ऊपर गाइस अपने इफेक्ट को एड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइस अपने वीडियो को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका वीडियो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके साउंड को म्यूट कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के एंड पार्ट पर आके इसके वाटरमार्क को डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पर आना है। इसके बाद आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्पीड का ऑप्शन, गाइस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स आप इस पॉइंट को इस तरफ लेके आते हैं गाइस, आपके वीडियो पर आपका स्लोमो ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं गाइस लग चुका है, तो अभी गाइस मैं ऐड नहीं करूंगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पर आना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड ऑडियो का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको अपना साउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके वीडियो से आपका साउंड इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अगर आप इसी साउंड को यूज करना चाहते हैं गाइस, आपको ये साउंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर गाइस आप कोई और साउंड का भी यूज कर सकते हैं, आपको जिससे भी अपने रील्स को क्रिएट करना है। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा साउंड खत्म हो रहा है। तो सेम फ्रेंड्स आपको इसी जगह पर आना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका वीडियो इस तरीके से कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपको इसके सेकेंड पार्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पर आना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैक आना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का ऑप्शन, गाइस आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर इफेक्ट वगैरह मिल जाएगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारा स्टार्टिंग पर हमारा इफेक्ट आ चुका है, जो गाइस हमारा डायमंड जूम इफेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके वीडियो पर आपका इस तरीके से आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाता है, जिससे गाइस अब अपने इफेक्ट को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसके साइज को हल्का मैं बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस टाइप से हो चुका है। एंड आपको राइट पर क्लिक कर लेना है, तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट वगैरह कर लीजिएगा। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका इफेक्ट खत्म होता है सेम फ्रेंड्स आपको उसी जगह पर आना है। आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपको कट लगाना है। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे गाइस आपको इफेक्ट वगैरह मिल जाता है, आप देख सकते हैं आ चुका है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से गाइस आप ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, एंड इससे गाइस मैं इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, हो चुका है। एंड आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने वीडियो को एक बार ओपन करके दिखा देते हैं गाइस हमारा वीडियो किस टाइप से बनके तैयार हुआ है।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा वीडियो किस टाइप से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी अपना इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड साथ ही गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ, तो मस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एरो का आइकन, गाइस आप उस एरो का आइकन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।